दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न स्थानीय ढाबों को लोकप्रिय मूर्थल स्थित भोजनालय मन्नर ढाबा के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने मन्नर ढाबा, श्री मन्नर ढाबा और अपना मन्नर ढाबा के नाम से अपने रेस्टोरेंट चलाने वाले तीन प्रतिवादियों के खिलाफ एक पक्षीय इंटरिम इंजंक्शन आदेश पारित किया। ये घटनाक्रम मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा दायर एक मुकदमे में हुआ, जिसमें उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क मन्नत, मन्नत ढाबा, मन्नत ग्रुप, मन्नत रिजॉर्ट्स आदि को उल्लंघन से बचाने की मांग की गई थी। स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी भोजनालयों में से एक मन्नत ढाबा के पास मन्नत समूह के ट्रेडमार्क और लोगो मन्नत को अपनाने और उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं था और इसका मालिक पूरी तरह से असहयोगी था। अदालत ने कहा, उक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर ये अदालत संतुष्ट है कि वादी ने अंतरिम इंजंक्शन देने के लिए प्रथम दृष्टि मामला बनाया है। न्यायमूर्ति दयाल ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादियों द्वारा अपने रेस्टोरेंट को रीब्रांड करने के प्रयासों के मद्देनजर प्रत्येक प्रतिवादी इस मुद्दे को निपटाने के लिए मन्नत समूह के वकील से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि वे चाहें तो अपने ढाबों की रीब्रांडिंग या उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके की पेशकश कर सकते हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए फॉलो करिए लाइफ लॉग।